इधर कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। संसद के सत्र में भी राहुल गांधी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार उनके बयान को संसद में अवमानना बताते हुए नजर आ रही है, उनसे माफी मांगने की मांग भी कर रही है। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और बोलते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे तो राहुल जी के भारतीय होने पर ही संदेह है। उनकी मानसिक आयु 5 साल से कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे, लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है। वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है, मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। भारत के बाहर जाके हम भारत की आलोचना करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना कि यह सच्चे भारतीय का लक्षण है?